वेलकम बैक फ्रेंड्स, एइमात्र आबहावा दफ्तर थेके पावा लेटेस्ट आपडेट, तैरी हयेछे गभीर निम्नचाप। आगामी तीन घंटार मध्य राज्येर मोट छटी जिलाय भारी बृष्टिर संगे 40-50 किलोमीटर बेगे बइबे झड़ हावा, एमनटाई जानालो आबहावा दफ्तर। बृष्टिर जेरे बन्याओ होते पारे एमनटाओ जानाच्छे। तो बंधुगण, राज्येर कोन कोन जिलाय बज्रबिद्युत सह भारी बृष्टिर संगे काल बैशाखी होते पारे, एइ बिषये आबहावा दफ्तर कि जानियेछे विस्तारित तथ्य जानते होले अवश्यई भिडियोटा शेष पर्यन्त देखबेन। भिडियोके मोटेओ स्किप करे देखबेन ना, नाहले आपनि अनेक किछु मिस करबेन। अवश्यई शेष पर्यन्त देखबेन। आर बंधुरा, आपनारा कोन जिला थेके देखछेन भिडियोटा अवश्यई आपनार जिलार नाम कमेंटे जानाबेन, कारण आपनादेर जिला थेके जखनी कोनो आबहावार आपडेट देवा होबे तखन आमरा आपनादेरके सबार आगे जानिये देब। आर जारा एखोनो एई चैनलटिके सबस्क्राइब करेननि, भिडियोर नीचे लाल रंगेर सबस्क्राइब बाटन क्लिक करे पार्श्वे देखबेन एकटा बेल आइकन उठे आसबे, सेखाने क्लिक करार पर ओयाल नोटिफिकेशन ऑन करे राखबेन। आर एकटा लाइक करते भूलबेन ना। गतकाल सकाले बालेश्वरे घूर्णिझड़ जशेर लैंडफल होलेओ एई झड़ पश्चिमबंगेर विभिन्न जिलाय तार आस्फालन देखिएछे। सकाल थेके फुले फेपे उठेछिल समुद्र, तारपर समुद्रेर जल धीरे धीरे ढुके गिएछे ग्रामेर दिके। गतकाल जशेर प्रभावे एकाधिक उपकूलवर्ती ग्राम प्लावित होयेछे, भेंगेछे शताधिक नदीर बाँध। तबे गतकाले सब शेष हयनि। आज सकाले आलिपुर आबहावा दफ्तर नतून विपदेर पूर्वाभास दिल। तारा जानिएछे आगामी 1-3 घंटार मध्ये बांगलार 6 जिलाय भारी बृष्टिपातेर सम्भावना रयेछे। आलिपुर आबहावा दफ्तर सूत्रे जाना गिएछे जश चले गेलेओ तार प्रभाव एखनो जायनि। घूर्णिझड़टी क्रमशः शक्ति हारिए अति गभीर निम्नचापे परिणत होच्छे। बर्तमाने अति प्रबल घूर्णिझड़ एखन उत्तर उड़ीसा उपकूल अतिक्रम करेछे अभिमुख झारखण्डेर दिके। परवर्ती 6 घंटाय शक्ति हारिए जश परिणत होबे निम्नचापे। आर सेई निम्नचापेर प्रभावे झारखण्ड ओ बिहार लागोया राज्येर जिलागुलिते भारी बृष्टिपातेर सम्भावना रयेछे। आलिपुर आबहावा दफ्तर सकाल 8:30 जानिएछे आगामी कयेक घंटार मध्ये 6 जिलाय व्यापक बृष्टिपात होबे। जिलागुलि हलो उत्तर ओ दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कलकाता। এই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সাথে বইবে 40 কিলোমিটার বেগে ঝড় হাওয়া। এছাড়া 2 মেদিনীপুর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সকাল থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমাঞ্চলের আকাশের মুখ ভারী, মেঘলা আকাশ থেকে মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় যশ 24 মে সোমবার বঙ্গোপসাগরের বুকে জন্ম নিয়ে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছিল। তারপর 63 ঘণ্টা জীবনচক্র পেরিয়ে গতকাল বুধবার রাত 11টায় তা শেষ হয়। গতকাল রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে এই ঘূর্ণিঝড়। লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ি ভেঙে যায়, শতাধিক নদীর বাঁধ ভেঙে যায়, জলমগ্ন উপকূলের একাধিক গ্রাম। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন অসংখ্য ভিটে হারানো মানুষ। তো বন্ধুগণ, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই ছিল আপডেট।